हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियासत अली और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ अपने न्यू आरसी प्लेन के बारे में। तो ये मेरे न्यू आरसी प्लेन का बॉडी है जिसे मैंने बना लिया है और ये रडर है, एलिवेटर है और ये न्यू आरसी प्लेन का विंग है जिसे मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, बट अभी इसमें सर्वो इंस्टॉल नहीं किए है। तो ये देख सकते हैं काफी बड़ा है और काफी बेहतर भी है। और दोस्तों मैं बता दूं, इसमें बहुत सारी खासियत है। ये एक प्रोफेशनल आरसी प्लेन है। इससे पहले आप लोगों ने मेरा आरसी प्लेन का वीडियो देखा होगा, F22 का वीडियो देखा होगा और F22 का बड़े वाले प्लेन का भी वीडियो देखा होगा। तो वो भी एक मॉडल था, बट ये उन सबसे बहुत हटके है क्योंकि एक प्रोफेशनल मॉडल है, काफी बेहतर मॉडल है। और दोस्तों मैं बता दूं, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चैनल का उपयोग किया है जो कि फ्लिप है और ये काफी बेहतर, ये टेकअप के वक्त काफी बेहतर सहायता करता है और लैंडिंग के वक्त भी। लैंडिंग के वक्त क्या होता है कि अगर प्लेन फुल स्पीड में हो, लैंडिंग हो रही हो, तो हमें बड़ा जगह चाहिए। बस इसका काम होता है कि छोटी जगह पे भी लैंडिंग करवा देता है और काफी अच्छा लैंडिंग करवाता है। और इसमें मैंने एलईडी भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। ये हो गया आपका ओरिजिनल प्लेन का, जो कि ओरिजिनल प्लेन भी होता है। इसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों, ये जो है मेरा ये पहला इंडिया का पहला आरसी प्लेन होगा जिसे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इंडिया में जितने भी आरसी प्लेन बने हैं वो मोटर और प्रॉप पे बने हुए हैं। ये जो है ATF जेट पे बना हुआ प्लेन होगा और मैंने गूगल में भी सर्च किया, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया सोशल चैनल होते हैं वो सारे मैंने सर्च किया, अभी तक इंडिया में ATF जेट का एक भी प्लेन नहीं बना हुआ। इसे मैं पहली बार बना रहा हूँ तो ये काफी बेहतर होगा। और ये रहा ATF जेट, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ना, ये जो है इधर से इससे हवा खींचेगा और ये दोनों साइड से इस तरफ से हवा को और इस तरफ से ये फ्लो कर देगा हवा को और काफी बेहतर है ये। तो मैं इसे आपको एक बार चला के दिखाता हूँ, उसका साउंड सुनाता हूँ, काफी बेहतर है। और इसके बारे में और एक बात बता दूं कि ये 4S ATF है और मेरे पास 4 सेल का बैटरी नहीं है, जिसकी वजह से मैं 3 सेल का बैटरी यूज कर रहा हूँ। मैं बता दूं कि 4S का अगर मैं बैटरी यूज करता तो मुझे 80 एम्पीयर के AC की जरूरत पड़ती, जिसे मैंने मंगवा के रखा हुआ था, पर मेरे पास 4S का बैटरी नहीं है, 4S बैटरी, तो इसलिए मैं अभी इसमें 50 एम्पीयर का AC यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 3S का बैटरी है। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं इसका साउंड कैसा है और थर्स्ट ये कैसा बना रहा है। ये 3S का बैटरी, तो इसे कनेक्ट करके ऊपर देखते हैं। अपने साउंड सुना, तो इसमें आपने देखा इसका साउंड काफी बेहतर है, थ्रस्ट भी बहुत ही अच्छा है और ये बहुत जल्द बन के कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों मैं इसके बारे में और बता दूं कि मैं इसमें 8 सर्वो यूज करने वाला हूं। अभी तक का मेरा सबसे ज्यादा सर्वो यूज होने वाला इसी प्लेन में हुआ, क्योंकि अभी तक जितने भी प्लेन मैंने बनाया उसमें 5 से 6 सर्वो यूज हुआ है, बट इसमें 8 सर्वो यूज होने वाला है। इसमें रडर में 1 सर्वो यूज होने वाला है, एलरोन में 2 सर्वो यूज होने वाला है, एलरोन में 2 सर्वो यूज होने वाला है, एलिवेटर में 2 सर्वो यूज होने वाला है और फ्लैप में 2 सर्वो यूज होने वाला है। तो 7 सर्वो टोटल हो गया। 1 सर्वो जो यूज होगा वो फ्रंट का व्हील में यूज होगा स्टायरिंग के लिए,
और मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ही अच्छा मॉडल अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट मॉडल बनने वाला, और दोस्तों इससे भी बेहतर बेहतर मॉडल आगे मैं बनाने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है मॉडल को कम्प्लीट करने में, तो मैं आपको इसमें मैं और एक बात बता दूँ, अभी तक मैंने जितने भी प्लेन बनाए वो सारे फिक्स विंग थे, और ये जो है फोल्डेबल विंग है। वैसे बहुत सारे लोग फोल्डेबल विंग के प्लेन बनाते हैं, बट वो प्रोफेशनल नहीं होता है, वो बस एक नॉर्मल सा प्लेन होता है। ये एक प्रोफेशनल प्लेन है और काफ़ी बेहतर फ्लाई होने वाला है इसका, और काफ़ी बेहतर मॉडल भी है। तो इसको एक बार इंस्टॉल करके देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। मैंने यहाँ पे स्क्रू लगाया इसमें, और स्क्रू लगाने के चक्कर में मैंने इसका वेट काफी बढ़ा दिया है। प्लेन बनाते वक्त वेट का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वेट भारी हो गया तो प्लेन बेहतर से फ्लाई नहीं कर पाएगा। और मैं इसे एक बार टाइट कर लेता हूँ अच्छे से। मैं बताता चलूँ कि इस तरह का जो प्लेन है वो FMS कंपनी, जो कि चाइना की कंपनी है, वो बनाकर मार्केट में बेचती है, और उसकी कीमत लगभग होती है $500 से $600, मतलब 50,000 के लगभग में, 40 से 50,000 रुपए के लगभग में होती है। तो और उसमें शिपिंग चार्ज लगभग पड़ जाता है 8 से 10,000 रुपए, तो 50,000 रुपए का सामान 8 से 10,000 रुपए शिपिंग चार्ज, लगभग 60,000 रुपए। उसमें भी कस्टम में बहुत सारी दिक्कतें आती है, हो सकता है कि आप सामान मंगाए और कस्टम में फंस जाए। तो इसे मैं खुद से बना रहा हूँ, और मुझे प्लेन का मॉडल बनाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही। तो ये पूरी तरीके से अभी टाइट नहीं किए इसको, और टाइट करना नहीं है, तो मैं बस दिखा रहा हूँ आपको कि इसका मॉडल कैसा होने वाला है। काफी बेहतर मॉडल होने वाला है, आप देख सकते हैं। काफी बेहतर है, और दोस्तों इसका जो फ्रंट का जो पायलट का जो जगह है उसे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट इसलिए नहीं किया है क्योंकि प्लेन का जो सबसे, हालांकि मेन चीज तो सब कुछ होता है, बट किसी भी चीज का जो फेस होता है, फेस से ही उसकी खूबसूरती झलकती है और उसका मॉडल पता चलता है। तो मैंने इसलिए इसका डिसाइड किया कि मैं सबसे लास्ट में इसका फेस तैयार करूंगा। यहाँ पे ये पायलट की जगह होगा, मतलब यहाँ पे टोटली सामान होगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी हो, चाहे वो टोटल कनेक्शन हो, बैटरी हो, फ्रंट व्हील का भी सर्वो वगैरह हो, जो भी हो, सारा चीज यहीं पे होगा। तो इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में करने के लिए सोचा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर में काफी जगह है, तो सारा चीज बैटरी से लेकर सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी होंगे, रिसीवर से लेकर हर एक चीज, एसी सारा चीज वहीं पे रहेगा। और ये काफी मॉडल काफी बेहतर है, तो ये बहुत जल्द बनकर कंप्लीट हो जाएगा, इसके वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों आने वाले वक्त पे इसी तरह मैं मजेदार वीडियो बनाता रहूंगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।